करनाल के कांग्रेसी नेता पंकज गाभा के निवास पर हरियाणा कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने युवा कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी की सूची बनाने के लिए चलाए जा रहे एनआरयू अभियान का शुभारंभ करनाल से किया। यहां हम आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता राहुल गांधी द्वारा इस अभियान की शुरुआत जयपुर से की गई थी, जिसके अंतर्गत नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार द्वारा नोटबंदी के नाम पर व अन्य रोजगार के अवसर बंद किए जाने पर प्रदेश में बेरोजगार युवकों की सूची तैयार करने के लिए एनआरयू नाम से एक अभियान चलाया गया है, जिसका प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू द्वारा करनाल से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सचिन कुंडू ने कहा कि युवा कांग्रेस इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर चला रही है, जिसमें मिस कॉल के जरिए बेरोजगार युवाओं को जोड़ा जा रहा है और कांग्रेस की सरकार आने पर उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बेरोजगारी का रजिस्टर तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और सरकार को दिखाया जाएगा कि युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाए। इस अवसर पर उन्होंने मौजूदा हरियाणा सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए व अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता पंकज गाभा, सचिन पूरनपुर के अलावा अन्य कांग्रेसी युवा नेता मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। हाँ जी सचिन जी, किस मुद्दों को लेकर आज कर लाल पहुंचे? सबसे पहले तो आज आप सब साथी समय निकाल कर आए, सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप इतना कीमती समय जो आप निकाल कर पहुंचे। आज जो आप लोगों से चर्चा करनी थी वो एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर, मैं समझता हूं कि नौजवानों के लिए अगर आज के दिन कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो रोजगार की समस्या है। जिस तरीके से पिछले 6 साल में बेरोजगारी बढ़ी है, उसको लेकर एक युवा वर्ग में, चाहे अपने प्रदेश की बात है चाहे देश की बात है, एक बड़ा भारी रोष है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले, चाहे पिछले 5 साल की हम बात करें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। उस हिसाब से भी देखें तो 10 करोड़ रोजगार पिछले 5 साल में ही बनते थे और 1 साल का समय ये बीत गया, लेकिन रोजगार के अवसर जो नौजवानों को मिलने चाहिए थे वो बढ़ने की बजाय घटे। तो उसके विषय पर आज इस बात को लेकर आप लोगों से चर्चा करनी थी कि उसको लेकर भारतीय युवा कांग्रेस ने अभी पीछे 28 जनवरी जयपुर से आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में बेरोजगारी के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की है कि एक युवाओं को बेरोजगारी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जाए। मैं बताना चाहूंगा उसकी शुरुआत 28 जनवरी को आदरणीय राहुल गांधी जी ने जयपुर में बड़ी रैली के माध्यम से उसकी शुरुआत की और पूरे देश में इसका नेतृत्व भारतीय युवा कांग्रेस करेगी। तो हरियाणा प्रदेश में भी हरियाणा युवा कांग्रेस आने वाले समय में आपको हर गांव स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक इस अभियान को के तहत लड़ाई लड़ती दिखेगी। जहां तक अपने प्रदेश की बात, खट्टर साहब के समय में, इनसे पहले 10 साल आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सरकार रही और उस समय के अगर आंकड़े उठाएं तो हरियाणा की बेरोजगारी दर 2.8 होती थी, जो मॉनिटरिंग करती है इकोनॉमिक्स उसको एजेंसी होती है, उसके आंकड़े आए तो हरियाणा की बेरोजगारी दर 2.8 होती थी। लेकिन बड़े शर्म की बात है, अभी जो पीछे आंकड़े आए उसमें वही बेरोजगारी दर 27.8 हो चुकी है। और जहां तक सरकारी क्षेत्र में तो रोजगार की बात है ही, प्राइवेट सेक्टर की भी अगर बात करें, हमारे जो बीटेक किए हुए नौजवान है, एमबीए करे हुए नौजवान है, जो आईटीआई के टेक्निकल एजुकेशन के नौजवानों की मैं बात करूं, तो
सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से, चाहे नोटबंदी की बात है, चाहे जीएसटी की बात है, चाहे इनकी और आर्थिक नीतियों की बात है, इतनी भारी मंदी का सामना देश में करना पड़ रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, चाहे दूसरी कंपनियां हैं, वो छोड़कर जा रही हैं, और उससे प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ी भारी मार का सामना हमारे नौजवानों को करना पड़ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में जो टेक्निकल एजुकेशन के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, वो मिलने की बजाय जब आर्थिक मंदी से कंपनी बंद हो जाएगी तो उनको रोजगार कहाँ से मिलेंगे, तो उन्हें भी नौकरियों से निकालने का काम हो रहा है। तो मैं आज इसी बात को लेकर NRU जो नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शुरू किया है यूथ कांग्रेस ने, आज मेन उद्देश्य आप लोगों के माध्यम से करनाल के नौजवानों तक उस आवाज को पहुंचाने के लिए, और आने वाले समय में चाहे विधानसभा स्तर पर है, चाहे ब्लॉक स्तर पर है, चाहे गांव स्तर पर है, इसको लेके जाएंगे। आज मेन इसी विषय पर बात करनी थी, बाकी किसी साथी का कोई सवाल नहीं। जहां तक दुष्यंत जी की बात है, जजपा पार्टी की बात है, प्रदेश में लोगों ने वोट किया बीजेपी को बाहर करने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए कि बीजेपी को, और खुद आप दुष्यंत जी के भाषण सुनेंगे उस समय की उनकी बात सुनेंगे, खुद उन्होंने इस बात के लिए वोट नहीं मांगा था कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएंगे, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए लोगों ने वोट दिया। लेकिन जितना जल्दी वो बीजेपी की गोद में जाके बैठे, और एक बात कही गई कि प्रदेश में स्थायी सरकार देने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा और लोगों के हित के लिए फैसले लिए जाएंगे, 100 दिन से ऊपर का समय हो गया, अभी तक ये तो बात होती है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, कौन सी सिक्योरिटी मिल रही है, लेकिन जिस बात को लेकर आप लोगों की वोट लेके आए कि किसानों के लिए क्या किया जाएगा, कहां यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी, कहां मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, किसानों को फसलों का भाव क्या मिलेगा, जो डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए उस बात को छोड़कर, एक तरफ मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अभी कांग्रेस पार्टी की, शिवसेना की, NCP की गठबंधन की सरकार बनी, उसमें समय लगा कई दिन, लेकिन पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होकर गठबंधन हुआ, एक तरफ 100 दिन का समय भी बीत गया है, आज तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मीटिंगों की सिर्फ औपचारिकता होती है, लेकिन आज तक वो तय नहीं हुआ, जिसमें यह तय होना है कि सरकार किस दिशा में जाएगी, क्या लोगों के लिए काम किए जाएंगे, और नौजवानों को भी, हम नौजवान हैं, नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी, दुष्यंत जी ने बड़े बड़े वादे करके उनको वोट किया था, अभी जो आबाकारी नीति जो हमारी वो बनाई है, शराब की नीति, एक्साइज पॉलिसी, जो सकारात्मक सोच के तहत कि कहाँ पे स्टेडियम बनेंगे, कहाँ पे कॉलेज बनेंगे, कहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटियां बनेंगी, स्पोर्ट्स के लिए क्या होगा, नौजवानों के टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या होगा, उस बात को छोड़कर आपने ऐसी पॉलिसी बना दी कि घर घर में ठेके खुलवाने का काम कर दिया, और एक तरफ तो आपकी नीतियों की वजह से, चाहे प्रदेश सरकार का की जिम्मेदारी बनती है, जो सरकार सत्ता में होती है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी नीतियां बनाए कि नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों, एक तरफ रोजगार नहीं मिल रहा उसी के कारण प्रदेश का, आप पिछले आंकड़े उठा के देखो कि नशे के प्रति भी किस तरीके से प्रदेश का नौजवान जा रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण बेरोजगारी है, आप उसकी तरफ कदम उठाने की बजाय बल्कि आप उस पॉलिसी को इतना आसान कर रहे हो कि एक प्रदेश का नौजवान नशे की तरफ और बढ़ता। निर्दलीय विधायक लोगों ने चुन के भेजा है, जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं, उन्होंने आवाज उठाई, और सरकार के पूर्व मंत्री पर वो सवाल उठाए कि भ्रष्टाचार हुआ है, अनिल विज जी ने SIT का गठन किया, ऐसा क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने वो इंक्वायरी भी पूरी नहीं होने दी और क्लीन चिट दे दी, इससे साफ है कि सरकार की मुख्यमंत्री की मंशा ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आशीर्वाद के नीचे ये सब भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं तो उन्हें इंक्वायरी से नहीं भागना चाहिए था। और इस बात में मैं बलराज कुंडू का समर्थन करता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ
जिम्मेदारी बनती है और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन खट्टर साहब को भी ये बात कहना चाहते हैं कि खट्टर साहब, जो आप प्रदेश में ईमानदारी का ढकोसला करते हो, इस बात से जो आपकी क्लीन चिट दी उस बात से साफ हो गया है कि ये सिर्फ ढकोसला है। आपने इंक्वायरी पूरी होने से पहले जिस तरीके से विधानसभा में जस्टिफाई कर रहे थे चीजों में, प्रदेश के लोगों को कल से बड़ी इस बात को हताशा है। उनका जो नकाब ईमानदारी का था, कहीं ना कहीं वो उतर कर लोगों के बीच में आ रहा है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।